दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आपने चुड़ैल माता मंदिर की कहानी में जाना कि किस प्रकार से एक व्यक्ति हैं जो गुजरात के रहने वाले हैं, उनके ताऊ जी के साथ में एक एक्सीडेंटल घटना किस प्रकार से घटती है। आगे के इस भाग में हम लोग जानेंगे कि आखिर उस घटना से आगे क्या हुआ और उन्होंने क्या लिख करके भेजा है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। प्रणाम गुरुजी, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया है, उससे आगे आपको आपकी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में आपने जाना कि मेरे ताऊ जी के साथ में क्या घटित हुआ था। उसके बाद में ताऊ जी घायल अवस्था में ताई जी के साथ में साइकिल जो टूटी फूटी सी थी उसको लेकर के किसी तरह हमारे गाँव को वापस आ गए। गांव में आ जाने के बाद में इस बात पर चर्चा होने लगी कि जो चीज़ उनको मिली है, यानी कि वो कंगन या वो चूड़ियाँ, वो सोने की हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ अभी तक उनके साथ कभी घटित नहीं हुई थी। पीछे से किसी का पुकारना और उनके पास किसी की वस्तु का पाया जाना, ये आज तक होना संभव नहीं हुआ था। ये चमत्कार की तरह ही था। तो एक सुनार हैं, उनको जो है बुलाया गया। जब वहाँ पे आए तो उनको जब बुला करके उन्होंने उनसे चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच में सोने की ही हैं, ये चूड़ियाँ साधारण नहीं हैं। और उन्होंने पूछा कि अगर कहाँ से पा गए, यानी मिल कहाँ से गई, और अगर इसकी साफ़ सफाई करनी हो तो हमें दे देना। तो ताऊ जी ने बहाना मार कहा कि नहीं, हमारी पैतृक हैं और हमको प्राप्त हुई हैं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस काम के लिए हम किसी को किसी चीज़ से हमें ज़रूर चुनेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे जब भी इसकी साफ़ सफाई या इस तरह की कोई चीज़ हमें करनी होगी। तो इस प्रकार से उस सुनार को समझा बुझा करके उन्होंने वहाँ से रफा दफा कर दिया। लेकिन अभी भी सवाल बड़ा ही तगड़ा था कि चोट लगने के दौरान आखिर चूड़ियाँ किस प्रकार से उनके सामान के अंदर आ गई। ये सोने की चूड़ियाँ थी, यह बिल्कुल तय हो चुका था, इसमें अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो ताई तो खुश हो गई, लेकिन ताई के मन में एक बड़ा ही डर था। उन्होंने कहा, आखिर वो कौन औरत थी जो आपको पीछे से पुकार रही थी? क्या ऐसी कोई बला है जो अपना सामान रख के चली गई हो? फिर उन लोगों ने कुछ बातचीत की और सो गए। अगले दिन जब सुबह उठे तो उसके बाद ताई को बड़ा ही जोश आया। उन्होंने सोचा कि क्या करना है, रात गई बात गई, अब हमको ये देखना चाहिए कि आखिर ये सोने की चूड़ियाँ मेरे हाथ में आती हैं कि नहीं आती हैं। उन्होंने वो सोने की चूड़ियाँ पहन ली और दिन भर एक दूसरे काफ़ी लोगों को दिखाते दिखाते वो घूमने लगी, क्योंकि उन्हें काफ़ी अच्छी लग रही थी। उन्होंने ताऊ जी को भी दिखाया। ताऊ जी ने भी कहा कि ज़्यादा इस बात का शोर ना मचा, इस बात का अगर तू ज़्यादा शोर मचाएगी तो तेरे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। तूने देखा था ना कि पीछे से किसी औरत ने मुझे किस प्रकार से पुकारा था, यानी किस तरह से कोई औरत मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी, तो इसलिए तू इस बात का ख्याल रख, इस बात से तुझे बचने की ज़रूरत है। तो इस बात को समझते हुए बाकी लोगों ने भी उनको, और जिन लोगों को उन्होंने हल्का फुल्का इस बारे में बताया था, उन सब ने यही कहा कि इस प्रकार से आपका करना ठीक नहीं है और इसको चुपचाप उतार करके रख दीजिए। उन्होंने भी कहा ठीक है, ये कर लिया जाएगा, लेकिन उनका मन हुआ ही नहीं और धीरे धीरे कामों में व्यस्तता के कारण रात हो गई। रात को दोनों लोग जब सो गए तो सो जाने के बाद में थोड़ी ही देर में ताऊ जी को ऐसा लगा कि उनके बगल में जो ताई जी लेटती थी, आज उनका शरीर कुछ अजीब सा हो गया। उन्होंने उनके शरीर पर हाथ फेरा तो जैसे एक पेड़ की छाल होती है, उस पर जब हाथ लगाया जाता है उस तरह का असर आता है। जबकि आदमी का जो शरीर होता है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, उसको छूने पर अलग ही एहसास होता है।
इस तरह से जब उन्होंने ऊपर से नीचे को छुआ और अचानक से हड़बड़ा से गए और उन्होंने आंखें खोल दी, क्योंकि अंधेरा था कमरे में तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने एक बार फिर से ताई जी के शरीर को, उनके अंगों को छुआ, लेकिन एक बार फिर से वैसे ही जैसे कि किसी पेड़ की छाल को छुआ जाता है वैसा ही एहसास हुआ। अंधेरा होने की वजह से कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा देखकर उन्हें अजीब सा माहौल उन्हें समझ में आया। फिर अचानक से उन्हें एक धुआं सा दरवाजे की तरफ जाता हुआ सा दिखा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वो चुपचाप उठ लिए और उस धुएं की तरफ चलने लगे। धुआं दरवाजे से होकर के घर से बाहर निकल गया। किसी तरह का क्या वशीकरण था या ऐसी क्या अवस्था थी, यह कहना तो बड़ा ही मुश्किल है। इस वजह से उन्होंने कुछ समझे बिना ही कुंडी उंडी खोली और वो बाहर चलने लगे। वो धुआं आगे आगे जा रहा था और वो पीछे पीछे। तभी अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज से ताई जी जाग गई और उनकी नजर उनके ऊपर पड़ गई। उन्होंने उनको देखा कि वो दहेज के बाहर निकल रहे हैं। इन्होंने सोचा कि आखिर इतनी रात को, रात के 1 या 1.5 बज रहे होंगे, ये कहाँ जा रहे हैं। फिर उन्होंने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, वो भी घर से बाहर निकल गई और रात को हमारे घर का दरवाजा जो है खुला ही रह गया। लेकिन ये बड़ी समस्या नहीं थी कि दरवाजा खुला रहना, समस्या तो उससे बड़ी ये थी कि ताऊ जी बदहो हवास से किस की तरफ जा रहे थे और ताई भी उनके पीछे पीछे क्यों जाने लगी। वह काला साया सा जाकर के एक पीपल के पेड़ के में समा गया और उस पे पेड़ जो है उसकी पत्तियां तो हल्की हल्की सी वो हिलने लगी थी और उसके पास जाकर के ताऊ जी खड़े हो गए उस पेड़ के सामने। तब तक पीछे से ताई जी आईं और उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा। ताऊ जी को इतना जोर गुस्सा आया और उसने कहा हट साली, और बहुत ही तेज तमाचा ताई जी को जड़ दिया। लेकिन शायद तमाचा जड़ते ही खुद भी वो होश में आ गए और उन्होंने देखा कि ये क्या किया हम। इधर इतनी तेज तमाचा उनकी ताई जी के चेहरे पर पड़ा कि उनके चेहरे पर ही हाथ के निशान, जब तेज तमाचा मारो जैसे बन जाते हैं उस तरह के निशान उनके चेहरे पर बन गए थे। ताऊ जी ने देखा कि वो कहाँ पर है। ताई जी ने रोते हुए कहा एक तो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ और तुम मुझे ही मारने लगते हो। ताऊ जी ने कहा ये मैं कहाँ आ गया और गांव से बाहर कैसे निकल आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम चुपचाप उठे और पता नहीं क्यों कुंडली खोल के और किवाड़ बंद किए बिना जाने लगे, तब तक मेरी नज़र तुम पर पड़ गई और मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलती चली आई हूँ, ये सब क्या है और तुम यहाँ क्यों आ गए हो। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे ऐसा दिखा कि तू चलती चली जा रही है और मैं तेरे पीछे पीछे चलते चले आ रहा हूँ और यहाँ पे पेड़ पे आकर के तू पेड़ के पास आकर के इसके अंदर समा गई और मैं तुझे देख ही रहा था, मुझे ऐसा ही नज़र आ रहा था। और क्योंकि मैंने तेरे हाथ की जो चमकीली कलाई है उस पे सोने की जो चूड़ियां हैं वो चमकते हुए से देख रहा था, मैं उसका ही पीछा पीछे करता हुआ यहाँ तक आया हूँ। तब ताई ने एक बार फिर से अपने हाथ की ओर देखा और उन्होंने वही चूड़ियां पहनी हुई थी जो सोने की चूड़ियां उसमें उन्हें वहाँ पर मिली थी। ताई ने कहा ये लग जरूर ये चूड़ियां बहुत ही ज़्यादा मनहूस हैं, कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है, ये उन्होंने ताऊ जी को कहा। अब ताऊ जी भी समझ गए कि कुछ ना कुछ ऊपरी बला का कोई चक्कर जरूर है। इस बात से बचने की जरूरत अब पूरे परिवार को है क्योंकि ये सब कोई साधारण चीज़ें नहीं हैं। उनका इस प्रकार से बदभाव सा घूमना और ऐसी चीज़ें नज़र आना। तभी दोनों लोगों ने पेड़ को हिलते हुए देखा और पेड़ से एक हंसी की आवाज़ सी सुनाई दी। जब दोनों लोगों ने उस चीज़ को देखा तो एक लाल कपड़े सी पहने जले हुए शरीर वाली औरत पेड़ के ऊपर, उन्हें जो पीपल का पेड़ था उस पर बैठी हुई सी दिखाई पड़ी। अब उस पेड़ को देख कर के ये लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और वापस वहाँ से भाग लिए, घर वापस चले आए। और कुछ जैसे ही घर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया एक बार फिर से उन्हें पता नहीं क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें भूल गए और जाकर के अपने कमरे में सो गए।
सुबह उठे तो जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो कहा कि रात को ये सब क्या हुआ था, और उन्होंने घर वालों को ये बातें बताई। सब लोगों ने सोचा ये कैसी चीज़ है कि कुछ बातें याद रहती हैं कुछ बातें भूल जाती हैं, क्या सच में उनके साथ ऐसा हुआ था, क्या उन्होंने सपना देखा था, वगैरह वगैरह। लेकिन इस बात की सच्चाई इससे सिद्ध हुई कि दरवाजे अभी तक खुले थे, इसका मतलब यह कोई सपना नहीं था, दोनों लोग बाहर गए थे क्योंकि दरवाजे अभी भी खुले हुए थे। यह बातें अजीब से सुनने में जरूर लगती हैं लेकिन ऐसा कुछ देखने में आया। तभी गांव के एक पंडित जी थे, उनसे बात की गई और उनकी बातों को समझकर बहुत सी बातें पता लगाई गई। उन्होंने कहा कि अगर आज रात को तुम एक ऐसा टोना टोटका प्रयोग करो जिसमें अगर वो शक्ति तुम्हें फिर से नजर आए तो वो जरूर तुम्हें दिशा निर्देशित करेगी। अगर वो दिशा निर्देशित करती है तो जो वो कहे वो करे, वही तुम्हें करना होगा। पंडित जी की बातों को समझ करके इन्होंने हल्दी और चावल को एक साथ मिलाया और एक पोटली में नीचे रख दिया। उस पोटली को नीचे रख करके सब ये दोनों लोग सो गए। रात के समय में जो जो प्रक्रिया पंडित जी ने बताई थी वह सारी संपन्न करके अपने बिस्तर के नीचे रखकर उन्होंने पोटली वो फिर से सोने के लिए चले गए। रात को 1 बजे के करीब फिर से वही हुआ, उन्हें फिर से ऐसा नजर आया कि कोई कमरे में आया है और वो जा रहा है। इसको देखकर अबकी बार दोनों लोग उठ गए और साथ में उन्होंने वो पोटली उठा ली और उस शक्ति के पीछे पीछे चलने लगे। गांव से बाहर निकलने पर धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाए चले गए और उस स्थान पर पहुंचे जहां आज ये मंदिर बना हुआ है। वहां पर उन्होंने सामने से एक लड़के को आते हुए देखा जो एक साइकिल पे आ रहा था और दूसरी तरफ से एक गाड़ी सी आ रही थी। वो गाड़ी और साइकिल की भीषण टक्कर हो गई, दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए जिसमें जो साइकिल पे लड़का था वो पूरा ख़त्म हो गया और जो गाड़ी में ड्राइवर था उसने भी अपना नियंत्रण खो करके अपनी गाड़ी नीचे गिरा दी थी, यानी कि वो गाड़ी भी पलट गई थी जो टक्कर मार देने के बाद में काफ़ी दूर तक अब अनियंत्रित होकर चलती रही होगी। इस घटना को देखते ही बहुत ही ज़्यादा दोनों लोग डर गए। तभी वहाँ पर एक हंसी सी हंसी आई और आकाश में उन्हें एक लाल कलर कपड़े पहने हुए स्त्री खड़ी सी दिखाई पड़ी जिसका शरीर जला हुआ सा था। उसने कहा क्या चाहता है, क्या देखना चाहता है, तो इन लोगों ने उसे पोटली पकड़ा दी। तो उसने कहा मुझे पोटली नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी पूजा चाहिए, तुम्हारी भक्ति चाहिए। अगर तुम लोग यह सब नहीं करना चाहते हो, यह सब नहीं देखना चाहते हो और यहाँ होने वाले हादसों को रोकना चाहते हो तो मेरी पूजा करो, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। ऐसी बात जब उसने कही तो इन लोगों ने कहा कि हाँ अवश्य ही आपकी यहाँ पर पूजा की जाएगी, इससे आप प्रसन्न हो जाएंगी और यहाँ कभी कोई न इस तरह के हादसों को होने से रोकेंगी, आप रक्षा जरूर करेंगी। ऐसा कहकर के उन्होंने अपनी सारी बातें उनसे कही। वो भी आकाश में उस भयानक रूप को छोड़ करके सौम्य रूप में आ गई जिसमें एक लाल रंग की सादी सुदासी स्त्री दिखाई दी जो आकाश में खड़ी हुई थी। इन लोगों ने पहली बार उसको नमन किया और उसकी मन ही मानसिक पूजा जो कही जाती है वह की। इसके बाद ये लोग घर और गांव में वापस आ गए। यही बात उन्होंने पंडित जी को बताई। पंडित जी ने जब ये बात को जाना उन्होंने यही सलाह दी कि उस जगह पर मंदिर बनना चाहिए। फिर आम सहमति से ये बात धीरे धीरे करके सारे लोगों में फैल गई। वो बात फैलते फैलते सारे लोगों तक ये पहुंची कि इस जगह पर आए हमेशा जो है दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इन दुर्घटनाओं का सामना करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर मंदिर बनवाया जाए, उस शक्ति का मंदिर बनाया जाए जो शक्ति यहाँ पर निवास करती है, वो एक चुड़ैल है। इसी के कारण से यहाँ पर
चुड़ैल का मंदिर बनाने की बात को सभी लोगों ने मंजूरी दे दी और धीरे धीरे करके सभी लोगों ने अपने अपने सहयोग से और गांव लोगों वालों की मिलीजुली स्थिति से उन्होंने इस स्थान पर मंदिर बनवाने की सोच दी। चुड़ैल माता का जो ये मंदिर है, इस उसका प्रतीक होती हैं कि आप हमारी रक्षा करो, हमारी सुरक्षा करो और हमारी मनोतियों को भी पूरी करो। इसके बाद से देवी के रूप में वो चुड़ैल बदल गई और सदैव रक्षा करने लगी। उनकी रक्षा करने के कारण आज पूरा का पूरा माहौल समय चेंज हो चुका है और आज वहाँ पर एक मंदिर है। वह स्थान अब दुर्घटनाओं से दूर है, वहाँ पर किसी की दुर्घटना नहीं होती है और लोगों की मनोतियाँ पूरी होती हैं, लोगों की इच्छाएँ पूरी होती हैं, लोगों के सारे जितने भी रुके काम हैं वो सारे बनते हैं इस चुड़ैल माता मंदिर में। तो इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि शक्तियाँ बुरी नहीं होती हैं, शक्तियों को अगर सही ढंग से धारण किया जाए तो वो अवश्य ही फलदायी हो जाती हैं और सत्य के बिगड़े हुए कामों को बनाती हैं। इसलिए भारत का एकमात्र यह मंदिर चुड़ैल माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया और हमेशा रहने वाला है। यही कहानी मुझे अपने ताऊ जी से प्राप्त हुई और इस मंदिर के बारे में मैंने आपको बताई है। आपका विशेष धन्यवाद जो आपने इसका पहला भाग बनाया था और यह इसका अंतिम भाग है। इसके लिए आपका और धर्म रहस्य के सारे दर्शकों का शुक्रिया। प्रणाम गुरु जी। तो ये था इनका अनुभव और जो भी कहानी इनके पास है वो उन्होंने भेजी थी कि चुड़ैल माता मंदिर किस तरह से बना और किस तरह से जनता के बीच में ये बात फैल गई धीरे धीरे करके कि यह मंदिर यहाँ बनाना चाहिए, ताकि वो चुड़ैल का असर इस जगह से हट जाए और वो देवी के रूप में सबकी मदद करने लगें। अब चूंकि उनको देवी का दर्जा दे दिया गया इसलिए वो भी प्रसन्न होकर के सबकी मनोतियाँ मानने लगी और इस तरह से यहाँ पर एक परंपरा चल गई और आज यहाँ पर एक अच्छा खासा मंदिर स्थापित है जो चुड़ैल माता का एकलौता अनोखा भारतीय मंदिर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।